वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शाइनी सैयद, आज मैं शेंगदाना की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने इसे भून लिया और इसका छिलका जो है वो निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये भुने हुए शेंगदाने, रोस्टेड शेंगदाने है ये। तो इसे दरदरा सा पीस लेंगे, बस एक चक्कर देना है और बंद कर। यहाँ पर देखिए, मैंने इसे इस तरह पीसा है, कुछ दाने साबुत है और कुछ पाउडर बन गए है। तो यहाँ पर इसे दरदरा सा पीस लिया है, तो इसकी सब्जी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें डाल दिया ऑयल। यहाँ पर देखिए, ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा। इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता और जीरा हो। यहाँ पर मैंने ले ली है 3 बारीक कटी हुई प्याज, इसे मैं डाल दूंगी। यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज डाल दी है, इसे गोल्डन फ्राई होते तक भून लेंगे। जब घर में सब्जी ना हो और सब्जी का कुछ समझ में ना आए तो इस सब्जी को बनाइए, बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही अलग सी सब्जी है ये, और बहुत टेस्टी भी लगती है। यहाँ पर देखिए, प्याज हो चुके हैं, इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर डाल देंगे आधा कटा टमाटर, इन सभी चीजों को भून लेंगे थोड़ा। इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच दूध की मलाई, ये फ्रेश दूध की मलाई है ये। दूध के मलाई की जगह पे आप दही भी डाल सकते हैं। तो यहाँ सभी चीजें अच्छे से भून चुकी है, सभी चीजें अच्छे से पक चुकी है। इसमें डाल देंगे ये शेंगदाना, पीनट पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक डालते समय थोड़ा ही डालना, क्योंकि ये सूखी सब्जी है, उसमें नमक ज्यादा ही हो जाता है, तो इसलिए कम ही डालना है पहले से। सालन वाली सब्जी में जैसे कि नमक एडजस्ट हो जाता है, इसमें नहीं होता है। इसे हल्का हल्का भून लेंगे। इसमें डाल देंगे एक अंडा, यह ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। आप बगैर अंडे की भी बना सकते हैं शेंगदाना की सब्जी। यहाँ पर देखिए, हमारी डिश फाइनली रेडी हो चुकी है। गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारी शेंगदाना सब्जी, पीनट सब्जी रेडी हो चुकी है। इसे रोटी के साथ में, फुलके के साथ में, पूरी के साथ में, नान के साथ में आप खा सकते। जब कोई सब्जी समझ में ना आए या फिर कोई सब्जी घर में ना रहे तो ये सब्जी बनाइए। शेंगदाना तो सबके घर में रहता है, तो फिर बनाइए और बना के बताइए कैसी बनी। और ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना, ये माँ से रिलेटेड सब्जी है ये। मेरे माँ ने मुझे बताई थी ये सब्जी, मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर बनाइए, बना के बताइए और कैसी बनी है वो मुझे बताना जरूर, एक बार जरूर ट्राई करना। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कैसी बनी है। तो फिर बनाइए, बना के बताइए कैसी बनी है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।